Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you all are fine and enjoying good health at home. Today is my sixth lecture of chemistry for class 39. And so starting with, we are studying chapter number 2, that is structure of atom. Structure of atom में हमने start में theories हमने पढ़ी, उसके बाद हमने discovery of electrons, protons, neutrons पढ़े. Then the structure of atom. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर एटॉमिक मॉडल हमने डिस्कस किया. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स जिसके बेसिस पे बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया. नेक्स्ट टुडेज आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अराउंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सबशेल्स. तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ेंगे कि ये शेल्स और सब शेल्स में कैसे जो है वो डिवाइड मतलब डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. सो मैं डेफिनेशन आपको बता दूं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स. अब हम बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको मैं इसकी डेफिनेशन जो है हम डेफिनेशन को समझती हैं. तो व्हाट आर शेल्स एंड सब शेल्स आपको बता देती हैं कि शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो एज यू लर्न कि प्रीवियस हमने पढ़ा दैट इलेक्ट्रॉन एटम इज कंपोज ऑफ. अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. दैट एटम इज कंपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, जिनसे मिलके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके एटम बनता है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. सो इनकी लोकेशन एटम में ये कहाँ रहते हैं इन सबको डिस्कस हमने प्रीवियसली किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं और अराउंड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट इज ये इसका अगर न्यूक्लियस है. ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट इन सब शेल्स और इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये डिस्कस करते हैं. सपोज एटम्स हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक नंबर है. तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लिए. इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ व्हाट इज एटॉमिक नंबर. आपने प्रीवियस भी जो है वो रीड किया है कि एटॉमिक नंबर क्या है. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम. ठीक है, सो एज ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. तो जिनके उनके सेम एटॉमिक नंबर्स होंगे. ठीक है, जिनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इन द न्यूक्लियस. तो हमने एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट जब हम करेंगे. ठीक है, तो हम उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर इन शेल्स में अब ये जो एनर्जी लेवल्स जो हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं. इन एनर्जी लेवल्स को हम कहते हैं शेल्स. ठीक है, और हर शेल का एनर्जी जो लेवल है वो डिफरेंट है. ठीक है, सपोज This is one, this is second. ये आप इसको n is equal to one, n is equal to two. So ये इनकी numbering करेंगे. From starting from the nucleus, nucleus से start करते हुए हम इसकी numbering करेंगे. n is equal to one and n is equal to two. So before this, now the concept of potential energy of an electron shall be discussed in higher classes. इसके बाद हम उनकी energy जो है वो detail में हम उनको higher classes में discuss करेंगे. जो अभी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जहां मैंने आपको बताया कि नंबर्स जो हैं एनर्जी लेवल्स को
हर एक की एनर्जी डिफरेंट है, इनको 1, 2, 3 इस तरह सो ऑन इससे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इन नंबर्स के लिए हम क्या देते हैं, सपोज दिस इज n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ठीक है, 1, 2, 3, और इनको हम नेम दे देते हैं k शेल, l शेल, एंड देन दिस इज m शेल, एंड n इज इक्वल टू 4 अगर हमारे पास है तो ये हमारे पास n शेल हो गया। ये k l m n इनको हम, ये हमारे पास क्या है, दीज आर शेल्स, ये क्या है हमारे पास शेल्स है, ठीक है। और अब इनके सब शेल्स भी होते हैं, सपोज के पास जो है एक शेल है एस, इसके पास दो शेल्स हैं एस एंड पी, इसके पास 3 सब शेल्स हैं एस पी डी, इसके पास 4 सब शेल्स हैं एस पी डी एंड एफ, ठीक है। बहुत कम होता है कि एफ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जाती है, इसी को हम डिस्कस करते हैं एस एंड पी एस पी डी एंड एस पी डी एफ। ये हमारे पास है एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो हमारे पास ये बताया ना n = 1 है, तो वो हमारे पास कौन सा शेल है, k शेल है, ये हमारे पास l शेल है। थर्ड एनर्जी लेवल को हम m कहते हैं एंड फोर्थ एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं, ठीक। हम अब इनमें सब शेल थी मैंने अब आपको डिस्कस किए, और ये कहां से स्टार्ट करते हैं, ये हम बता रहे हैं न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं, यहां से काम करना शुरू करते हैं। This one is K, this one is L, और अगर इसके बाद है then M and then N, so on, ठीक है। These are the different energy levels. अब हम इनमें देखते हैं कि electrons कैसे accommodate होते हैं, ठीक। Suppose S जो है K shell है, इसमें 2 electrons होते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इसमें 2 electrons। L shell में हमारे पास 8 electrons जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 8 को s में जो है वो 2 होते हैं और p में 6 होते हैं, 6 प्लस 2 इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। m शेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर लेता है, m शेल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर लेता है, ठीक, और इसमें आ जाएंगे s में 2 होते हैं, p में 6 आते हैं और d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं d शेल में, डी सब शेल में, तो इनको अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 18 बन जाएगा। तो एक एम शेल में जो थर्ड एनर्जी लेवल है उसमें आप अप्रोक्सीमेटली 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं, जिसमें जिसके 3 सब शेल हैं एस में 2, पी में 6 और डी में 10। नेक्स्ट इज एन सब शेल, इसमें आप ये देखें कि इसमें हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कैसे 32 आ सकते हैं, S जो है हमारे पास 2, P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो हो गए हमारे पास 18, और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 14 प्लस 10 24 प्लस 8 32, ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये तो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम ऐसे करेंगे, शेल्स और सब शेल्स को मैंने आपको डेफिनेशन से बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमने इसको डिस्कस करने के लिए डेफिनेशन से हमने वर्ड्स लिए शेल्स एंड सब शेल्स। सब शेल्स थे इन्हीं शेल्स में, जैसे अब ये शेल है इसका अगर फर्दर पार्ट है तो इसको हम कहते हैं सब शेल। तो शेल हमारे पास K, L, M और N है, और इनके फर्दर सब शेल क्या है, इसका S, इसमें S और P, ठीक है, और इसमें S, P, D, and then N is equal to S, P, D and F। और इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें S और P दो जो है सब शेल है इसके पास, K L शेल के पास, तो इसमें 2 और 6 8। जब M है इसमें 18 आ सकते हैं, S P D इसके 3 सब शेल हैं और इन 3 सब शेल में 18 आ सकते हैं, 2 6 एंड 10 एंड सो ऑन विद N। ये आपको क्लियर हो गया, और इसी तरह ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंज होते हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में अरेंज होते हैं। सबसे पहले एस शेल फिल होगा,
देन पी शेल फिल होगा, फिर डी एंड देन इसी तरह एफ शेल फिल होगा, ठीक है। सो दिस इज द, और सबसे स्टेबल स्टेट जो है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ये तो थी मैंने आपको बताया व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम अभी इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमें ये पढ़ना है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, आपने कैसे लिखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, आपकी बुक में लिखा हुआ है अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक और तरीका भी है फाइंड आउट करने के लिए इसको, शेल्स के इसमें कितने शेल्स आ जाते हैं। सपोज n इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो इसको n जो है 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर से, ठीक। तो 1 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 2n, ये आपके पास फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, ठीक। इसको यूज करते हुए आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, इसमें 2 आ गई। अब l शेल में देखिए 2 जो है और m जो है, नंबर ऑफ शेल्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, तो हम इसको यहां पे 2 लिखेंगे स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक। आप यहां से भी याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला से कि अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एक शेल में कितने हो सकते हैं, तो आप इस फॉर्मूला से भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेल्स और फिर उसका स्क्वायर, ठीक, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द मोस्ट स्टेबल और ग्राउंड स्टेट एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज द वन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल, जिसमें जो सबसे कम एनर्जी लेवल है जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के नजदीक वाला जो है, ये जो है कि हमारे पास ग्राउंड एनर्जी लेवल, ठीक है, लेवल 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 और ये ग्राउंड लेवल है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, s शेल, k शेल है, k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जिसके सबशेल क्या है, s है। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स फिल इन द फिल द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी शेल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, दैट इज लोअर एनर्जी लेवल इज ऑक्यूपाइड फर्स्ट और फिर इस तरह इंक्रीज होते जाते हैं, फिर इससे सेकेंड एनर्जी लेवल, देन थर्ड एनर्जी लेवल एंड देन फोर्थ एनर्जी लेवल। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द शेल्स टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन इज फॉलोइंग, ये मैंने आपको सब समझा दिया कि शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे जो है वो फिल किया जाता है। नेक्स्ट इज एज वी नो देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ सब शेल्स विद इन अ शेल, एक शेल के अंदर जब दो सब शेल है तो उसकी एनर्जी डिफरेंस को जो है उसमें उस एनर्जी डिफरेंस में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। सो एस सब शेल इज फिल्ड फर्स्ट एंड देन एस पी सब शेल एंड देन अदर सब शेल्स आर फिल्ड, तो सब शेल्स जो है वो ऐसे फिल हो जाएंगे। अब हमने इसके सब शेल एस जो है उसमें देख लेते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैं आपको बता दूँ एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, अब यहाँ पी में हम 8 नहीं लिखेंगे, 8 जो है वो टोटल बताएं कि पूरे एल शेल में, एल के दो पार्ट है ना, तो दो पार्ट से इसमें आपको पता है एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, तो इसको 8 जो है ये पूरे शेल में है, तो सब शेल में कितने आ सकते हैं, 2 और पी में 6, ठीक, और डी में 10। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने लिखनी हो तो आपके माइंड में 3 चीजें हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस एटम में, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर जब आपको पता होगा, सीक्वेंस ऑफ शेल्स और सब शेल, सीक्वेंस कैसे है, एस पी डी एंड एफ, ठीक है, इसका सीक्वेंस आपको याद रखने का एक और तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आप इसको ऐसे लिखें, वन एस टू, ठीक है, पहला शेल जो है के शेल के, ठीक है, वन एस टू एल शेल के लिए, टू एस टू सेकेंड शेल है तो टू एस टू टू पी सिक्स, इसके दो सब शेल है एल के,
एल शेल के इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2s2 2p6। एम के आपके पास 3 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3s2। ये एनर्जी लेवल 1 है ना, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक, इसी तरह के एल और एम ये आपके पास शेल्स हैं और ये आपके पास क्या है, सब शेल्स हैं। ठीक है, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 3s2 3p6 और 3d10। ठीक, नेक्स्ट इज एन, एनर्जी लेवल 4, 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन। अब आपने इसको अरेंज कैसे करना है, इसके ऑर्डर ये देखिए, नंबर 1 ये अकेला है, 2s2 ये भी अकेला है, 2s2 यहां s ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, 1s2 2s2 फिर 2p6 के बाद 3s2 1 2 3 4, नंबर 4 आ गया। ठीक, ये यहां पे खत्म हो गया 3s2 पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें 2p6 के बाद क्या आ गया हमारे पास, 3s2 आ गया, 3s2 के बाद हमारे पास आ गया 3p6 और 4s2। अब 4s2 के बाद हम 3d10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10 का एनर्जी लेवल जो है वो 46 से ज्यादा है। इसी तरह ऐसे हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, ये इनको फिल करने का तरीका है आपके पास कि आपको याद कैसे रखना है कि आपने इसे कैसे लिखना है, द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आसान सा तरीका बताया, 1s2 आप इसको ऐसे सारे लिखें, शेल्स लिखें पहले KLMN, उसमें जो उनके सब शेल्स हैं उनको लिखें और ऊपर लिखते जाएं इस शेल में इतने इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको आपकी बुक में जैसे कि कुछ एलिमेंट्स का आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की बताई हुई है। ठीक, ये तो मैंने आपको इसका तरीका बताया। अब जैसे हमारे पास है बेरिलियम और इसका एटॉमिक नंबर है 4। ठीक है, बीई इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो पहले शेल में अब आप इसको कैसे अरेंज करेंगे इसकी मैं आपको बता दूं, 1s2 2p2, क्योंकि अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही 4 है, आ सकते हैं एटलीस्ट 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गए हैं, 2 इसमें आ गए, बाकी कितने बच गए, 2 बच गए और 2 हमने इसमें लिख दिए। ठीक है, सो इसके पास 1s2 2p2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। इसी तरह सॉरी 1s2 2s2 1s2 2s2 क्योंकि 1s2 के बाद हमारे पास 2s2 से शुरू हो रहा है, तो सीक्वेंस क्या है, 1s2 2s2 ये मैं आपको बता रही हूं सीक्वेंस, 1s2 2s2 2s2 के बाद फिर हम आगे 2p6 पे, 2p6 2p6 के बाद क्या आ गया 3s2 3s2 के बाद हमारे पास 3p6 आया, फिर हमने इसका 3d अभी नहीं लिखा, 3p6 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, 3p6 के बाद 4s2 आ रहा है, तो 4s2 एंड देन नेक्स्ट इज 3d10 और 4p6 3d10 और 4p6 यहाँ पे 4s2 के बाद, यहाँ पे देखिए s के बाद p आ गया, असूलन तो d आना चाहिए था ना s p d, लेकिन हमने यहाँ पे p क्यों लिखा और d 4s2 के बाद क्यों लिखा, क्योंकि डी का एनर्जी लेवल जो है वो पी से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डी को बाद में लिखा। ठीक, और इस तरह 4p6 ये हमारे पास ये अरेंजमेंट थी, ऐसे सीक्वेंस। 1 ब्रिलियम यह हमारे पास एलिमेंट था, इसकी हमने एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी हमने लिखी 1s2 और फिर उसके बाद 2s2, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 17 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर Cl 17 है। अब इसके अकॉर्डिंग आप फिल करते जाएंगे इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, 1s2 जब तक 17 पूरे नहीं हो जाते, 2s2
2p6, फिर उसके बाद 3s2, ठीक है, 6 7 8, 9 10, 12 12, और अब इसके बाद 3p5. यहां हमने 5 को लिखा क्योंकि हमने 17 पूरे करने थे, 6 आ सकते हैं 3p में, p शेल सब शेल में 6 आ सकते हैं, लेकिन अब इसको काउंट करें, यहां से 2 and 2 4 4 and 6 10 10 into 12 12 and sorry 7 आएंगे यहां पे, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 10 12 5. ये आपके पास इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, 1s2 2s2 इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कि ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, ठीक, दूसरे शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, s शेल के दूसरा भी उसमें हमने 2 फिल किए, फिर 6 आ सकते हैं, हमने 6 फिल कर दिए, s जो है हमारे पास 2 है, अगेन s सब शेल आते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने 2 लिखे, ठीक, अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए जब हमने जो हमने लिखे थे, तो 3p वाले में 6 आ सकते हैं, तो इसमें हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स लिखे, ठीक, ये तो होगी आपकी इसकी। नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोजन की देखें, 7 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन 7, अब इसको फिल करें, 1s2 2s2, ये आपके पास हो गए 4, बाकी बचे 3, तो 2p3, और ये इसके अब आपके पास आंसर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की आ गई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह आपकी बुक में 18 एलिमेंट्स की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की, यू हैव टू सॉल्व इट, और आपने इनको लर्न करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपको मैंने तरीका भी बताया, द इजिएस्ट वे कि आप इसको सबसे पहले अरेंज करके लिख लें, 1s2 2s2 2p6, फिर अप साइड से वर्टिकल जो है आपके डायगोनली आपके ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको आप अरेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सीक्वेंस क्या है, और वो आपका सीक्वेंस है इसका ब्रिलियम, और मैं सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p10 and 4p6. So this is all about the electronic configuration. Now there is test yourself 2.3, page number 38 पे, और इसमें आपने क्या करने बेटे, 10 questions हैं, इनमें आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं बेटे आपकी बुक में भी, आप जब प्रैक्टिस करेंगे और आपने इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने कहा है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखेंगे। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ पी सब शेल, दैट इज 6, फर्स्ट आंसर है 6, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन सेकंड शेल, सेकंड शेल में कितने सब शेल होते हैं, सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं एस और पी, Why does an electron fill 2p subshell and then 3s subshell? पहले 2p subshell क्यों fill होता है, फिर 3s होता है? इसलिए क्योंकि इसका energy level जो है उससे as compared to this इसका energy level 2p6 का कम है और 3s का मतलब number of shell increase होते हैं ना तो उसका ज्यादा है। Next is if both k and l shells of an atom are completely filled, अगर दोनों shells जो हैं वो completely filled हो जाएंगे तो total number of electrons कितने होंगे? आपको जैसे कि पता है l shell में कितने electrons आ सकते हैं? 8 electrons आ सकते हैं और k shell में 2, तो इसमें total number of electrons 10 होंगे। Number 6 is what is the electronic configuration of hydrogen atom? Hydrogen atom की electronic configuration क्या होगी? 1s2 1। क्या होगी hydrogen की? इसमें 1 है तो इसके पास क्या आएगा? 1s1, ठीक है, ये इसकी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। s सबशेल में 2 आ सकते हैं लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है, तो 1 मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो यहाँ इसके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ये बाकी जो है ये पेयर कर लेंगे, आयनिक बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे स्टेबल होने के लिए जिनके पास नहीं है। अब क्लोरीन जो है अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के, 3p को 6 करने के लिए, और इसको 5 इलेक्ट्रॉन इसको जो है आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ये म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी हाइड्रोजन है क्लोरीन में, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बना लेंगे।
इस तरह और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस. फास्फोरस का एटॉमिक नंबर और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है, फास्फोरस का 15 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6. ये 10 हो गया आपके पास, 3s2 10 और ये 12 और 3p3. ठीक है, ये आपके पास 15 हो गए. तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने लिख दिए यहाँ पे. नेक्स्ट इज नंबर 8. इफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट. अगर उसका एटॉमिक नंबर 13 है और एटॉमिक मास 27 है, तो पहले तो ये एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम है. ठीक, और इस एल्यूमिनियम के आपने फाइंड आउट करनी है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. एटॉमिक नंबर 13 है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो आपको आना चाहिए. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता हो ताकि आप इसको अरेंज कर सकें. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द एम शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15. जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, जैसे कि फास्फोरस है, इसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. अब आपको मैं यहां से बताऊं, ये तो थी हमारे पास क्लोरीन 17 की. ये देखें, ये इसका के शेल, ये इसका एल शेल और ये इसका एम शेल. ऐसे ही है ना, एल शेल के दो सब शेल होते हैं, एस और पी. इसमें 3 होते, लेकिन यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, तो इसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, सो ये इसका आंसर है 9th क्वेश्चन का, कि इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, एक शेल की कितनी कैपेसिटी है. तो ये मैंने आपको यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में किया था कि के शेल जो है एस शेल में 2 होते हैं, और इसके अलावा अगर शेल्स भी पूछी है तो के शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, एल में 8, एम में जो है हमारे पास 18 एंड एफ एन में आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, so this is all about today's lecture about electronic configuration. Hope you understood. Take care, thank you very much.